आगे बनाऊंगी ये वाला डोरमेट। और देखिए इसके लिए मैंने 3 कलर लिए हैं, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। और देखिए इसको मैंने 30 फंदों में बनाया है, और इससे जो बड़ा बनेगा वो 57 में बनेगा, और इससे उससे बड़ा 57 से बड़ा बनेगा 84 में, और इससे छोटा आप नहीं बना सकते हैं, 30 से छोटा आप नहीं बना सकते हैं। और देखिए इसमें मैंने 30 फंदे डाले हैं और 2 रो निकाल लिए, एक इधर से एक उधर से। और देखिए सीधा सीधा ये बुनेगा इस तरह से, एक फंदा मैंने उतार लिया है, देखिए इस तरह से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। देखिए 18 फंदे मैंने इससे बुन लिए हैं। अब मैं सेकंड कलर लगाऊंगी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए 9 फंदे मैंने ये ग्रीन कलर से बुन लिए हैं। आप देखिए इसको मैं इधर करूँगी, इस फंदे को इस सिलाई पे ले लूँगी राइट वाली पे, और आगे से इसको निकाल लूँगी और इसको फिर लेफ्ट वाली पे। और देखिए अब मैं इसको पलट लूँगी इस तरह से, ऊन हमारी इधर साइड आगे साइड कर दी। अब देखिए इस इन 9 फंदों को मैं इस तरह से बुन लूँगी। देखिए इस पे मैं नॉट लगा दूंगी यहाँ पे बाद में। अब देखिए यहाँ पे मैं ऊन को क्रॉस करूँगी। देखिए ये ग्रीन वाली ऊन है, इसके पीच कलर वाली के ऊपर से इस तरह से निकाल दूंगी, और इसको मैं इस साइड करके इस तरह से बुन लूँगी। 18 फंदे मुझे इस तरह से मैं इनको सीधा सीधा बुन लूँगी। देखिए ये मैंने ये फर्स्ट सिलाई कंप्लीट कर ली है डिज़ाइन वाली, और ये पहले से निकाल रखी थी। देखिए अब मैं एक फंदा उतारूँगी, वापस ऊन आगे करूँगी, और देखिए अब मैं 16 फंदे बुनूँगी। इसमें 2-2 फंदे मुझे देखिए इस साइड में बढ़ाने हैं, 16 फंदे बुन लूँगी मैं। देखिए अब मैं ये थर्ड कलर लगाऊंगी, ये जो मैंने वाइट लगाया है इसमें। देखिए इसकी मैं नॉट इसके साथ पीछे लगाऊंगी। देखिए यहाँ से मैं इस तरह से, देखिए 2 फंदे ये हमारे आगे से मैं लगा रही हूँ। देखिए अब देखिए इनको भी मैं बुन लूँगी इसी से, और देखिए यहाँ पे मैं 2 ग्रीन छोड़ दूँगी। देखिए इस तरह से, देखिए ये 2 फंदे मैंने ग्रीन नहीं बुने हैं। देखिए ये 2 फंदे नहीं बुनूंगी मैं, और देखिए ऊन इधर करके इसको मैं उतार के इसको आगे से इस तरह से इस सिलाई पे ले लूँगी, वापस इसको पलट लूँगी, और इस तरह से मैं इन फंदों को, ये हमारे 9 फंदे रहेंगे, 9 जो 9 के 9 ही रह जाते हैं, 2 इधर बढ़ते हैं तो 2 इधर छूट जाते हैं। देखिए इन फंदों को मैंने इस तरह से बुन लिया है। अब मैं ऊन को क्रॉस कर दूंगी इस तरह से। देखिए ये वाला पीच कलर मैं आगे ले जाऊंगी, वाइट वाला इधर छोड़ दूंगी। देखिए अब मैं ये फंदे इस तरह से बुन लूंगी सीधे सीधे इस साइड से। देखिए अभी मैंने, अब मैं इधर 2 फंदे बढ़ाऊंगी तो मैं 14 फंदे बुनूंगी। पहले मैंने 16 ये बुने थे पीच कलर से। एक फंदा उतार लूंगी ऊन आगे करके। देखिए 14 फंदे बुन लिए।
देखिए हमने इस तरह से इस ऊन को मैं एक फंदा पहले ही इधर क्रॉस करा के इधर ले आऊँगी। देखिए ये मैंने इसमें बुन दिया, ये दो फंदे मैं ग्रीन से बुनूंगी। अब मैं ग्रीन से बुनूंगी, देखिए तीसरी रो में मैं ग्रीन लगाऊंगी। अभी मैंने वाइट लगाई थी, देखिए यहाँ पे हमारे 9 ही फंदे रहेंगे। देखिए यहाँ पे ये 9 ही फंदे रहेंगे हमारे, ये मैं दो फंदे वाइट के छोड़ दूंगी। पहले मैंने ग्रीन के छोड़े थे, देखिए इसको इस तरह से आगे से इस वाले को इस पे ले लूँगी, वापस इसको पलट लूँगी। देखिए इसे, और ये मैं इस तरह से देखिए, अब मैं इसको फिर इस पे से ऐसे इसको आगे क्रॉस करा दूंगी ताकि यहाँ पे ये जाली ना पड़े। इसको मैं सीधा बुनते हुए, देखिए अब मैं फिर सीधी रो पे आ गई हूँ, एक फंदा उतार के ऊन आगे करके। देखिए अब मैं 12 फंदे बुनूंगी, देखिए एक फंदे पहले मैं इसको इधर क्रॉस करा लूंगी ताकि ये हमारा धागा आगे आ जाए। तो इस तरह से यहाँ से इसको रख के और इस फंदे को बुन दूंगी। देखिए अब हमारे इधर 12 फंदे हो गए। अब देखिए मैं वाइट से बनाऊंगी, यहाँ पे बनाने मुझे 9 ही फंदे हैं, यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं करने हैं। इस वाली ऊन को इस तरह से करके इसके आगे से इस फंदे को इस पे ले लूँगी, वापस ऊन इस साइड करके और इस तरह से मैं इसको देखिए अब मैं इसको इधर कर दूँगी ऐसे और पीच कलर को इस साइड ले जाऊँगी और इस रो को मैं सीधा सीधा बुन दूंगी। देखिए पिछली सिलाई में मैंने 14 फंदे बुने थे, अब मैं 12 फंदे बुनूंगी। दो दो फंदे मुझे इस साइड बढ़ाने हैं। देखिए एक फंदे पहले मैं इसको इस साइड इस तरह से रख के और इस तरह से बुन लूंगी ताकि हमारी ऊन आगे आ जाए। देखिए अब मैं ग्रीन से बुनूंगी, दो फंदे देखिए ये मैं इसको ग्रीन दो फंदे आगे से बुन रही हूँ। एक फंदा देखिए ये दो छोड़ दूंगी, नहीं बुनूंगी इसके आगे से, इसको इस पे और इसको इस तरह से सीधा। अब मैं ऊन क्रॉस कराऊंगी, देखिए इसको इधर कर लूंगी और पीच कलर को इस साइड ले जाऊंगी आगे साइड। इसी तरह बुनूंगी इसको। देखिए अब मैंने ये 8 फंदे यहाँ पे बुने हैं, दो फंदे ये पहले से मैं इसको इस तरह से देखिए दो फंदे मैं इधर बढ़ाती हूँ तो दो फंदे इधर छोड़ देती हूँ आगे साइड। देखिए 9 फंदे ही रहते हैं हमारे डिजाइन में। इस तरह से इसको पलट लूंगी, इस फंदे को इस पे कर लूंगी, ये दो फंदे मैं बिना बुने छोड़ देती हूँ, वापस पलट लूंगी इसको। देखिए इस तरह से इसको देखिए
ऊन क्रॉस करा दूंगी इस तरह से, इस तरह से आगे ले जाऊंगी इसको पीच को। देखिए अब मैं एक फंदा उतारूंगी, इसको आगे करूंगी, चार पाँच, देखिए फिर इसको मैं आगे ले आऊंगी, छः। अब मैंने छः फंदे यहाँ पे बुने हैं, देखिए दो फंदे पहले, देखिए इनको मैं ग्रीन बुनूंगी, देखिए इसको मैं इस तरह उतारूंगी, आगे से ऊन निकालूंगी, इस तरह से पलट के साइड करके सीधा बुन लूंगी। ऊन क्रॉस, देखिए इसको ग्रीन को मैं इसके ऊपर से इस तरह से, इसको इसके आगे इस तरह से, इसको मैं इसी तरह बना, देखिए एक फंदा उतार लूँगी आगे ऊन करके, दो तीन, इसको इधर लाऊंगी थोड़ा सा, देखिए एक फंदा पहले। अब देखिए मैं बाइट से बनूंगी, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, देखिए नौ ही फंदे रहते हैं हमारे यहाँ पे। पलट लूँगी इसको, इसको इस तरह से, देखिए इसको क्रॉस करा दूंगी ऊन को, देखिए इसको इधर निकाल के, ये देखिए। अब मैं यहाँ पे दो फंदे बुनूंगी, देखिए अब मैं इसको ग्रीन से बुनूंगी यहाँ पे, एक फंदा उतार के इसके ऊन आगे निकाल के इसको पलट लूँगी, इस रो को इस तरह। देखिए लास्ट यहाँ पे हमारे दो फंदे बचे हुए हैं, अब देखिए मैं इन सारे फंदों को बुनूँगी, एक सिलाई इधर से एक सिलाई उधर से, दो रो निकाल लूँगी, ये इस तरह से आ जाएगी बीच में। देखिए सारे फंदे बुन लूँगी मैं जितने हैं, दो रो निकाल लूँगी उसके बाद दिखाऊँगी। देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया, अब देखिए ये मैंने अभी पूरी रो कंप्लीट नहीं की है, बीच वाली जो फंदा ये हमारा है आगे से मैंने निकाला था, उसको मैं थोड़ा सा देखिए इस तरह से लूज करके और इससे बनाऊँगी इस तरह से, इस रो को, इस रो में ही ये हो जाता है, पीछे साइड चला जाएगा ये ग्रीन, तो आपका इधर दिखेगा नहीं। देखिए एक फंदा फिर ये आ गया इस तरह से, इसको देखिए पीछे साइड चला जाएगा, और नहीं तो ये आपका अच्छा नहीं लगेगा इस साइड दिखेगा तो, देखिए इस तरह से, एक ये बुन लूंगी, देखिए इस तरह से इसको, ये देखिए पीछे साइड चला जाता है, थोड़ा सा लूज करना है और उसके बाद इसको ये आसानी से बन जाता है। देखिए हर ये जितने हैं सारे मैं इसी तरह बुन लूँगी, इसी तरह कंप्लीट कर। देखिए मैंने ये रो निकाल ली है बीच में, ये देखिए इस तरह से ये बीच में आएगी। अब देखिए मैं इस रो में तो दो फंदे यहाँ पे
ये हमारे इस तरह से मैं ये दो फंदे बनाने के बाद मैं ग्रीन ऊन लगाऊंगी यहाँ पे। देखिए एक दो तीन, देखिए अभी मैंने इस साइड से मतलब फंदे लिए थे, अब मैं इस साइड से बढ़ाऊंगी। तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, देखिए नौ ही फंदे मुझे इधर लेने हैं। देखिए आगे से वही चीज़ है, एक फंदा उतार के इसको ऊन आगे करके इस तरह से, और इसको इस तरह से निकाल के यहीं से मैं, देखिए इतना ही मैं वापस पलट लूँगी, इधर मैंने अभी कुछ नहीं किया है, इससे नौ फंदे से ही मैं पलट जाऊँगी इधर को। देखिए ऊन को मैं क्रॉस कर दूंगी ताकि ये यहाँ पे जाली ना आए, वापस इसको पलटूंगी, पीच कलर को आगे ले जाऊंगी, दो फंदे ये मैं इस तरह से बुनूंगी। अब देखिए यहाँ पे मैं देखिए एक फंदा उतारूंगी, उसके बाद ऊन आगे करूंगी। देखिए अभी मैंने दो फंदे बुने थे यहाँ पे, अब मैं दो फंदे और इधर से ले लूँगी। देखिए पीच कलर से यहाँ पर चार फंदे बुन लूँगी, ये चार फंदे हो गए। अब मैं देखिए ऊन मुझे तोड़नी नहीं है, जहाँ की तहाँ है मेरी पीछे साइड, देखिए इस तरह से आ गई है, इसी तरह से इधर आ जाएगी ये, इसी ऊन से मैं इस तरह से यहाँ पे देखिए दो फंदे मैंने ये ग्रीन के इधर पीच कलर बुन लिए, उसके बाद अब मैं वाइट बना रही हूँ। तीन चार पाँच छ सात, देखिए ये वाला फंदा जो मैंने आगे से निकाला इसको मैं साथ में ही इसके साथ बुन दूंगी। देखिए आठ और एक नौ, ये नौ फंदे हो गए हमारे। देखिए अब मैं इस तरह से एक फंदा इधर से लेके इसके आगे से ऊन निकालूंगी, वापस उस सिलाई पे लेके आगे ऊन करके इस तरह से बुनूंगी इसको। देखिए यहाँ पे मैं ऊन को क्रॉस कर दूंगी, देखिए इस तरह से ये इसको आगे ले जाऊंगी इस तरह से, एक दो तीन चार। देखिए अब यहाँ पे हमारे चार फंदे हो गए। देखिए देखिए अब मैं यहाँ पे एक फंदा उतार के यहाँ पे छह फंदे बुनूंगी पीच कलर से। देखिए ये दो फंदे वाइट में से और बुन लूँगी। अब देखिए यहाँ से मैं ग्रीन कलर लगाऊंगी इस तरह से, देखिए देखिए ये वाला फंदा जो है इसको मैं इस तरह से लूज करके इसके इस तरह से बना लूँगी, और एक ये देखिए ये हमारे नौ फंदे हो गए, दो मैंने आगे से ले लिए, वापस एक फंदा उतारूंगी इसके आगे से पलट लूंगी और ये मैं इसी तरह से बुन लूंगी। देखिए अभी मैं पिछली सिलाई में मैंने यहाँ पे छह फंदे बुने थे, अब मैं यहाँ पे आठ फंदे बुनूंगी। देखिए अब मैं दो ग्रीन में से ले लूंगी दो फंदे, बाकी देखिए ये मैं वाइट से बनाऊंगी। देखिए ये वाला फंदा जो है आगे से निकाला हुआ इसको मैं इस तरह से बुन दूंगी ताकि ये पीछे चला जाए, एक फंदा और बुनूंगी। देखिए ये हमारे नौ फंदे हो गए यहाँ पे, ऊन आगे करके ये फंदा इस तरह से पलट लूँगी, ऊन आगे करूँगी, इस रो को मैं इसी तरह कंप्लीट। देखिए अभी मैंने आठ फंदे बुने थे, अब मैं दस फंदे बुनूँगी यहाँ पे। देखिए दो और ले लिए, ये दस फंदे हो गए। अब देखिए मैं ग्रीन से इस तरह से यहाँ से ये बुनूँगी।
देखिए दो फंदे मैं इधर से बुनूंगी, एक तो ये इसके साथ वाला, एक आगे से, इस तरह से दो फंदे आगे से बुनूंगी। अब देखिए इसी तरह से मैं ये यहाँ पे हमारे 18 फंदे हो जाएंगे, तब दिखाऊंगी। देखिए ये हमारा यहाँ पे 18 फंदे हो गए हैं हमारे, जो कि यहाँ से थे। आप देखिए ये हमारे 9, यहाँ पे 9 फंदे हैं और 3 हमारे ये यहाँ पे बचे हुए हैं। अब देखिए एक रो इधर से, मतलब इससे पीच कलर से, एक इधर से, एक उधर से, जिस तरह से मैंने ये निकाली थी इसी तरह से मैं ये निकालूंगी। उसके बाद मैं दूसरी कली स्टार्ट करूंगी और ऊन मुझे तोड़नी नहीं है, ऊन मेरी यहीं से काम आ जाएगी। इस तरह से यहाँ से ये दूसरी कली जब स्टार्ट होएगी तो काम आ जाएगी। इस तरह से, इसी तरह से ये 8 कली बना के कंप्लीट करनी है। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब देखिए मैं इसको, ये दो रो जो निकाली थी मैंने यहाँ से, अब चाहे तो आप इसको उतार लीजिए उसके बाद सिल दीजिए, और या फिर इसको खोल के जोड़ दीजिए तो ये पता नहीं चलेगा। देखिए इस तरह से मैं इसको, एक रो ये हमारी देखिए खुल जाएगी, ये वाली एक रो इसमें रह जाएगी, ये वाले जो फंदे हैं वो खुल जाएंगे। इस तरह से हम उसे खोल देंगे। एक रो हमारी ये खुलने में चली जाएगी, उसके बाद ये फंदे देखिए भर लेंगे दूसरे सिलाई में। देखिए ये फंदे निकल के आ रहे हैं इस तरह से। देखिए अब हमारी ये यहाँ पे एक रो रह जाएगी, इसके बाद ये जिस तरह से ये सारे में है एक एक रो, यही दिखेगी केवल सिलने के बाद। देखिए ये फंदे मैं दूसरी सिलाई में भर लूँगी। देखिए इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये खोल के फंदे इसमें भर लिए हैं। अब देखिए ये देखिए इस तरह से मैंने सारे फंदे भर लिए यहाँ से यहाँ तक के। अब देखिए एक रो जिस तरह से यहाँ पे हमारी बीच में आ रही है, इसी तरह से एक रो दिखेगी। अब देखिए इस तरह से मैं इसको उल्टे साइड से बंद करूँगी, इसको यहाँ पे इसको मैं सिलाई से ही बंद करूँगी। देखिए इसमें मुझे एक सिलाई की ज़रूरत और पड़ेगी। देखिए इस तरह से, देखिए एक फंदा मैं इसमें से लूँगी और एक फंदा इसमें से, देखिए इस धागे से इस तरह से बुनूँगी। देखिए पहली पहले बार में, अब देखिए एक फंदा इसमें से और एक फंदा इसमें से, इन तीन फंदों से मैं इस तरह से बुनूंगी। फिर देखिए एक ये फंदा और एक ये फंदा, तीन फंदे हो गए हमारे पास। एक ये पहले से है हमारे पास, ये मैं डिजाइन कई में बता चुकी हूँ, पहले भी इस तरह से बना चुकी हूँ मैं इसमें। देखिए एक फंदा मैं इसका ले लूँगी और एक इसका, और तीनों फंदे एक सिलाई में करके देखिए इस तरह से मैं इनको उतार दूंगी। देखिए एक इसका और एक इसका, तीनों में से देखिए इस तरह से सिलाई करके और इसको तीन का एक, देखिए 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 ये इस तरह से लाइन सी हो जाएगी, पता नहीं चलेगा बाद में। देखिए तीन फंदे का इस तरह से एक करते हुए मैं उतारूंगी। देखिए इसी तरह से मैं इसको कंप्लीट कर लूंगी। देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया है। बीच में चाहे तो फ्लावर लगा लीजिए या फिर बीच में थोड़ा सा इसको, जिस तरह से मैं और वीडियो में बताती हूँ उस तरह से आप बंद कर लीजिए इसको, और चाहिए तो आप इसमें फ्लावर भी लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और देखिए ये उल्टी साइड हमारा इस तरह से आया है, पता नहीं चल रहा है, देखिए दोनों साइड। और देखिए यहाँ से ये जुड़ा है, यहाँ पे भी हमारी ये वाली रो आई है, एक ही रो है, तो ये पता नहीं चलेगा आपको कहाँ से जुड़ा है।